नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से मैं हूं भावना जोशी आपके साथ। और आप देख रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव के महाकुंभ की मतगणना लाइव प्रसारण। और अभी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है राकेश आजाद जी, जो कि पूर्व नगर उपाध्यक्ष, माफ कीजिएगा, राजेश आजाद जी। सर, सबसे पहले तो मतगणना चल रही है और निकाय चुनाव की मतगणना है, जिसमें रुझान अगर मैं देखूं, बात सबसे पहले हम लोग इंदौर की करते हैं, तो वहां पर पुष्यमित्र भार्गव काफी ज्यादा कहते कि मतों की क्रेन से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, हम जो पहले अंदाज लगा रहे थे जी, उसमें हम अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं कर पाए जी। लेकिन फिर भी जो है, एक नंबर विधानसभा से भी हमको बढ़त मिली है, तो हम आगे ये समझ के चल रहे थे कि अगर एक नंबर विधानसभा हमारे लिए प्लस में जाएगी जी, तो 2 लाख से लगभग हम मतों से हम ऊपर विजयी महापौर के उसमें रहेंगे जी। और लगभग 60 से ऊपर पार्षद हमारे जीतेंगे बीजेपी के। पार्षदों की अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा उलटफेर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं लगता है, मेरे को कहीं देखने को नहीं मिला। हमने जो अंदाज लगाया है कि 60-61 पार्षद तो हमारे जीत पे पहले दिन से ही, हम सामने कैंडिडेट जो थे कांग्रेस की तरफ से, अन्य जिसने भी कैंडिडेट खड़ा करा, उसमें 61 पार्षद तो हमने शुरू दिन ही हमारी गिनती हो गई थी कि 61 तो हम जीत ही रहे, और उससे ऊपर ही प्लस अब दिख रहा है कि और ज्यादा अच्छे मतों से हम आगे बढ़ेंगे और ज्यादा पार्षद जीतेंगे जी। लेकिन बात की जाए, एक हाई प्रोफाइल ड्रामा जो क्रिएट हुआ था चुनाव वाले दिन, जहां राजू भदौरिया और चंदू शिंदे जी जो है आमने सामने नजर आए थे, वहां सीट पर अब राजू भदौरिया जी का कब्जा है, तो उसे कैसे देखते हैं? नहीं, उस चीज को हम जरूर वहां पे उसमें मंथन करेंगे जी। बहुत ज्यादा मैं नहीं मानता कि वहां पे कोई अपरिचित परिणाम आए हैं, जीत हार जरूर हुई है वहां पे जी, लेकिन बहुत ज्यादा अंतरों से हम वहाँ पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई कोई न कोई एपिसोड जरूर हुआ है, उसको हम विचार नहीं करके उस पर जरूर मंथन करेंगे जी। क्योंकि वो सीट भी बीजेपी की है, कोई कारणवश वहाँ से हारना हुआ है हमारे चंदू राव जी का, पर लेकिन आने वाले समय में हम वापस पुनः उसको जीतेंगे ही। विधानसभा एक की मैं बात करूं तो ये कार्य क्षेत्र है संजय शुक्ला जी का जी। लेकिन यहाँ से जब सुबह पहला रुझान आया था, तब बढ़त देखी जा रही थी पुष्यमित्र भार्गव जी की, कहाँ कमी लगती है आपको कि कांग्रेस ने कहाँ अपनी कमी छोड़ी है? कार्यक्षेत्र रहा है, सुदर्शन गुप्ता जी को हराया है अच्छे तो से, तो ये सुदर्शन गुप्ता जी का यहाँ पे कार्यक्षेत्र रहा है, संजय शुक्ला जी का अपना कार्यक्षेत्र रहा है, लेकिन संजय शुक्ला जी ने केवल तीर्थ यात्राएं कराई जी और भोजन भंडारे कराए, उससे चुनाव नहीं जीते जाते, हर परिवार के मन में उतरना पड़ता है। आप व्यक्ति के परिवार में आप उसकी वेदना को सहन करके वहां पे उसका काम करोगे तो उस चीज से आपको प्रतिफल मिलेगा, लेकिन वो ऐसा मुझे तो समय नहीं दिखा। हमारे सुदर्शन गुप्ता जी व्यक्तिगत भले ही उनका कैसा भी रहा है, लेकिन वो परिवार के साथ जुड़े हुए रहे और आज उसी का परिणाम है कि हम एक नंबर विधानसभा में भी अच्छी लीड की ओर जा रहे हैं जी। बात करोगे टिकट वितरण को लेकर, तो काफी ज्यादा रोष भी कार्यकर्ताओं में दिखाई दिया। देखो, हिंदुस्तान के अंदर नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो गई जी। तो इसके अंदर नो डाउट होता है, ऐसी जब टिकट मारते हैं तो 100 जने टिकट का अपनी इच्छा रखते हैं, लेकिन किसी एक को टिकट मिलता है, उसमें से बहुत सारे नाराज भी होता है, लेकिन कईयों को हम मना भी लेते हैं, अब कुछ आखिरी तक भी नहीं मानते हैं जी। तो वो बहुत ज्यादा अंतर उसमें नहीं देखने को मिलेगा। पार्टी के सिद्धांतों पे जो पार्टी चलती है, उस सिद्धांतों को लेकर ही जनता पार्टी के मत को मतांतर में रूप में परिवर्तित करती है, और उसका परिणाम हम शाम तक आपको देखने को ही मिलेगा। और अच्छा है कि हम इंदौर शहर के अंदर क्लीन सिटी में बैठे हैं जी, और यहाँ पे भी क्लीन ही दिखेगा आपको कहीं ना कहीं। जो टिकट वितरण की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कहीं जगह ऐसी भी है जहाँ पर जीते हुए पार्षद को घर बैठा करके एक ऐसे पार्षद को टिकट दिया गया या ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो किसी का करीबी रहा है, बहुत सी जगह ऐसी भी है, ये सब देखने को मिलता है जी। जैसे पार्टी के अंदर काम करने वाले सैकड़ों लोग रहते हैं, लेकिन कार्य करने के बाद में भी किसी किसी का, अब आप कहीं का तो आप ऐसा उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन परिवार के अंदर उन्होंने काम करा और उनके पत्नियों को टिकट दिया गया जी। तो ऐसे हमारे यहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़ी हुई महिला भी रही, वो परिवार में काम करती है, उसका हस्बैंड हमारे पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो
पूरा परिवार हमारे पार्टी के संगठन के काम में लगा रहता है जी। और किसी सबकी आशा रहती है कि मुझे टिकट मिले, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति हो गई होगी तो जहाँ पे ऐसी कोई बात हुई, लेकिन अधिकतर मैं पार्टी कार्यकर्ताओं को ही मोबिलाइज करा और उन्हीं को टिकट दिए हैं और अच्छे मन से दिए। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ये रणनीति चली नहीं है भाजपा की? देखो, मुस्लिम मतदाता जो है जी, वो किसी एक के कहने पे मुस्लिम मतदाता कोई परिवर्तित होने वाले है नहीं जी। उनके सिद्धांत अलग है और वो किसी एक को फतवा जारी होता है और वो उसी को मानते हैं, तो हमने भी उसको टारगेट नहीं करा। पार्टी ने भी विश्वास नहीं करा कि भैया मुस्लिम मतदाता अपने साथ में आएंगे। मुस्लिम मतदाता, उनको जब विश्वास हो जाएगी कि पार्टी दोहरे मापदंड को लेकर नहीं चलती है तो वो अपने साथ में आएगा। हम परिणाम भी आगे आने वाले समय में हम देंगे उनको और मुस्लिम मतदाता भी हमारे साथ में जुड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में इसका परिणाम है, उत्तर प्रदेश में कई मुस्लिम बहुल से हम भारतीय जनता पार्टी और हिंदू वहां से जीत के आया है जी। बड़ी खबर लेते दतिया से एक बार, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का गृह क्षेत्र है दतिया। बड़ी खबर आ रही है दतिया से, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जादू चला है। गृह मंत्री जी का ये गृह क्षेत्र है बरौनी नगर पंचायत में, भाजपा की ऐतिहासिक जीत देखने को मिली है। बड़ी खबर दतिया से आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जादू चला है। बरौनी नगर पंचायत में भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है और आपको बता दें कि नगर पालिका के सभी 15 वार्डों पर लहराया जीत का परचम। दतिया में 36 में से 30 वार्डों पर भाजपा प्रत्याशी आगे। भोपाल में गृह मंत्री ने कार्यकर्ताओं को दी जीत की बधाई। दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जादू चला है। तो यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और एक रुझान जो है वो पूरी तरह से स्थिति जो है वो साफ हो गई है, जहाँ पे दतिया में नरोत्तम मिश्रा जी का जादू चला है। आप ही के स्क्रीन पे मैं देख रहा था जी। कि दतिया में अब नरोत्तम मिश्रा जी के लिए क्लिप भी चल रहे थे कि वो धर्म संकट में है, लेकिन अब आप ही ने बताया तो ऐसा परिणाम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी नगर पालिका नगर निगम है उन सब में देखने को मिलेगा। और जो सिद्धांत लेके भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष में लेके चली है जी। और उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से आगे चल रही है और आगे जीत करके और अच्छा लक्ष्य प्राप्त करेगी और आने वाले समय में अपने जो विजन है उस विजन को पूर्ण करेगी। ये तो राजेश जी दतिया की बात है, लेकिन ग्वालियर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर महापौर प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 3 चरणों का जो है मतगणना पूरी हो गई, लेकिन कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से वहाँ पे अभी 3 ही चरण हुए हैं और इस समय में 2-3 चरण और हुए होंगे, लेकिन आने वाले समय में जब मतगणना पूरी हो जाएगी हम वहाँ पे ग्वालियर में भी हम जीत हासिल करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बुरहानपुर और खंडवा में भी भाजपा को जीत मिली है, स्थिति बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। बुरहानपुर की जीत को खास तौर पर आप कैसे देखते हैं? बुरहानपुर की जो जीत है वो वहाँ का जो मैंने बताया आपको कि पार्टी के जो सिद्धांत है जी, पार्टी के सिद्धांतों के जो हम लेके चल रहे हैं उस सिद्धांतों के आधार पर पार्टी को टिकट वोट मिले हैं और उसी का परिणाम है कि बुरहानपुर में भी हम बहुत कम अंतरों से जीते हैं, लेकिन जीत दर्ज करी है जी। और जब वहाँ काम और विकास कार्य होंगे तो उसका परिणाम अपने को आने वाले समय में भी और देखने को मिलेगा जी। बात की जाए अगर भाजपा की तो यहाँ पर प्रत्याशी कौन होगा, लोग इसके सिर्फ कयास लगा सकते हैं। अब मैं आपको इंदौर और भोपाल दो उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, जहां महापौर प्रत्याशी के रूप में पुष्यमित्र भार्गव जी और मालती जी को चुनना एक अपने आप में एक आश्चर्य की स्थिति थी, क्योंकि कई बड़े नाम सामने थे, कई बड़े चेहरे सामने थे, तो फिर ये ऐसे नाम जो कि एक साधारण कार्यकर्ता से लगाकर संघ के से जुड़ा नाम सामने लेकर आना। पुष्यमित्र भार्गव जी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते रहे, हमारी युवा विंग जो है विद्यार्थी परिषद उसके अंदर वो नगर स्तर से लेके केंद्रीय स्तर तक में उन्होंने काम करा है। वो अपने कॉलेजों के अंदर जो विद्यार्थी परिषद हमारी युवा विंग है
पार्टी के उसके सिद्धांतों पे, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पे वो काम करते हैं और उसी के उदाहरण है। बीच में संघ से भी जुड़े हुए हैं, इसमें कोई स्पष्ट नहीं है। मैं भी संघ से जुड़ा हूँ, संघ का तो हमारा बेस वही है कि वहाँ कार्यकर्ता और व्यक्ति तैयार होता है जो राष्ट्र को समर्पित रहता है जी। तो उसी सिद्धांतों पे नामों की बहुत अच्छे अच्छे नाम भी थे, सब नामों पे चर्चा हुई और उसके अंदर से एक निखर के आया जिसको बोलते हैं सबका मित्र है, उसी का नाम पुष्प जो है वो फूल के रूप में अपने सामने है। पुष्प मित्र हमारे यहाँ पे उम्मीदवार के रूप में मिले हैं और भोपाल में भी वहाँ पे मालती राय जी जो है वो भी बहुत पार्टी के कार्यकर्ता रही हैं और पदाधिकारी रही हैं। तो हमारे यहाँ पे नीचे से अर्थ से लेके ऊपर तक पहुँचाने का जो सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा देखने को मिलता है। अब जैसे हमारे उप राष्ट्रपति का एक जगदीप धनखड़ जी का नाम आया है, वो राजस्थान से एक छोटे से गांव के अंदर खेती बाड़ी करते हैं, आज राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के। तो नीचे से ऊपर तक पहुंचाने का पार्टी हर प्रकार से हर कार्यकर्ता का ध्यान भी रखती है और उसको आगे भी बढ़ाती है। लेकिन जब पुष्पमित्र भार्गव जी का नाम आया तो कई बड़े चेहरे नाराज भी हो गए बीजेपी के, और कहा जा रहा था कि ये अब इसी शायद यही वजह भी रही है कि सीएम को 3 बार चुनाव के प्रचार के लिए इंदौर आना पड़ा। सीएम तो हर हफ्ते आते हैं, उनके लिए तो इंदौर हृदय स्थली है उनकी जी, और इंदौर में आने का सौभाग्य हर समय मिलता ही है। पूर्व में भी मुख्यमंत्री हमेशा हफ्ते में 2 बार 3 बार तो इंदौर आते थे, इसलिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि कोई नाराज है जी, किसी की नाराजी हमारे को व्यक्त नहीं, और नाराजी कभी होती भी है तो वो अपने फोरम पे जहाँ पे अपने उनको बताना है वहाँ होती है और उनकी उसका समाधान हो जाता है जी। फिर भी अगर मैं बात करूँ पुष्पमित्र भार्गव की, क्योंकि आप भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, तो देखने में आया है कि उन्हें आगे की रणनीति समझने में थोड़ा सा वक्त लगा, क्योंकि चुनाव से वो पृष्ठभूमि से आते नहीं है और माना संघ में काफी अच्छा काम किया है उन्होंने, लेकिन चुनाव ही उनको अनुभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं कैलाश जी का एक जादू कहेंगे इसे, जो बढ़त उन्हें मिल रही है अभी। भारतीय जनता पार्टी में सभी जितने भी कद्दावर नेता है और जो इंदौर शहर के जो भी नेता है, हम एक टीम वर्क करके काम करते हैं जी। इसमें सभी की भूमिका रहती है, माननीय कैलाश जी की भी है, मोगी जी की भी है, हमारे सुदर्शन जी की है, सत्तन जी की है, बाबू सिंह जी रघुवंशी हैं उनकी है, मधु वर्मा जी की है, रमेश मेंदोला जी की है, आकाश विजयवर्गीय जी की है, महेंद्र आड्या जी की है, मालती भाई मालिनी भाभी गौड़ की है। तो हमारे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई सपोर्ट, जब काम करता है, जब भारतीय जनता पार्टी ने एक के लिए तय कर दिया नाम, तो सभी टीम वर्क के रूप में काम करते हैं और उसी का परिणाम है कि हम इतने अधिक मतों से हम आगे बढ़त बना के रखे और अच्छे मतों से हम जीतेंगे जी। पहले जब चुनाव हुए हैं 22 साल से भाजपा का गढ़ रहा है इंदौर, अब देखा जा रहा है कि पहले अंतर काफी ज्यादा होता था इन जब 22 सालों में, जो भी एक महापौर प्रत्याशी के रूप में निकले हैं, फिर बात चाहे हम लोग कैलाश विजयवर्गीय की करें, उमा शशि शर्मा जी की करें, किन्हीं की भी बात की जाए, लेकिन एक अंतर काफी ज्यादा होता था। लेकिन इस बार ये 3 चरणों की जो मतगणना सामने है उनमें अंतर इतना ज्यादा नहीं दिख रहा है, तो क्या ये माना जाना तय है कि संजय शुक्ला ने एक कड़ी टक्कर जरूर दी है इस बार? मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता है कि उन्होंने कड़ी टक्कर दी है, क्योंकि प्रथम चरण से ही हम हमारी जीत बढ़ाए हुए हैं और कहीं पे भी हमको ऐसा नहीं लगा कि हम सीट को कहीं सीटें कम हो रही है कि बढ़ रही है, हमारी सीट बड़ी है और जीत भी निरंतर बढ़ती जा रही है। भोपाल को आप किस तरह देखते हैं, भोपाल में भी बढ़त लिए हुए हैं? भोपाल अच्छे मतों से हम जीतेंगे वहां पे और अच्छे जीत की ओर अपन अग्रसर है वहां पे, और आखिरी में जीत जो है भाजपा की ही वहां पे होगी, ऐसा मुझे विश्वास भी है और बिल्कुल जी। हाँ, लेकिन अगर ग्वालियर में अगर भाजपा हारती है तो कहीं ना कहीं बात, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ है नहीं, अगर कांग्रेस एक भी निगम जीतती है तो उसके लिए वो जीत काफी ज्यादा मायने में बड़ी होगी। बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन हम ग्वालियर के अंदर भी हम बीजेपी वहां पे अंततः बीजेपी ही जीत कर आएगी जी।
जैसा आप अभी स्क्रीन पे चल रहा है दतिया के लिए जो बताया था ऐसा जैसा परिणाम भी हम ग्वालियर में भी देखने को मिलेगा आपने को, क्योंकि मतगणना है, कभी भी कोई कभी भी आगे पीछे हो सकता है जी। मुद्दों की राजनीति पुष्य मित्र भार्गव जी ने की है, मुद्दों की राजनीति संजय शुक्ला जी ने भी की है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो दोनों ही, अब विधानसभा एक की मैं बात करूं तो यहाँ पर जब वो विधायक बने थे उनके मुद्दे काफी थे, और इस बार जब वो महापौर प्रत्याशी के रूप में उतर के मैदान में आए तो उनका मुद्दा सबसे अलग था, वो था पीली गैंग के आतंक से मुक्ति दिलाना इंदौर वासियों को, तो क्या मुद्दे फीके पड़ते हुए नजर आए? पीली गैंग किसको कहते हैं मुझे नहीं मालूम है जी। लेकिन नगर निगम के अंदर अपने को कोई अच्छा परिणाम देखना है, अच्छा परिणाम आगे आना है, तो कई समय जब आप नगर निगम के अंदर जब गाड़ियां चलाई थी सफाई के अभियान के लिए तो उस समय ऐसा लगता था कि फालतू गाड़ियां चल रही कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब जनता इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जनता अपना खुद कचरा लेके डब्बा लेके बाहर आती है और वो कचरे की गाड़ी में डस्टबिन के ऐसे लेके उसमें डालते हैं, तो जो क्लीन सीट परिवार जब जुड़ता है, जो जनता जुड़ती है, तो उसका परिणाम देखने को मिलता है। आज वो बातें कहीं पे भी नहीं है, जो उनके मुद्दे थे वो मुद्दे अपने आप ही शिथिल हो गए। आने वाले समय में जब पुष्यमित्र जी और जब टीम बैठी थी उस समय हम आने वाले जो इंदौर का जो ट्रैफिक है उसके ऊपर हम काम करने के लिए उन्होंने प्रतिबद्धता दोहराई है कि इंदौर का ट्रैफिक उसको सुधारने के लिए उसमें जो करना पड़ेगा वो जरूर करेंगे जी। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं मतगणना का लाइव कवरेज, देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।